हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज की वैकेंसी जो आपके सामने आई है बहुत ही खास रहने वाली है, क्योंकि ये है महिंद्रा ग्रुप में। दोस्तों महिंद्रा के अंडर कितने कंपनीज आती हैं, कितने ग्रुप्स आते हैं, कितनी फार्मेसीज आती हैं, कितनी कंसल्टिंग इंजीनियर्स आते हैं, सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में मैंने दो वीडियो आपसे पहले भी बोला था और हाईली रिकमेंड किया था। कौन कौन सी? एक तो PWD JEE के रिगार्डिंग, दूसरी जो वैकेंसी है वो है ऑनलाइन जॉब मेला। दोस्तों मैं आपको इतना ही बोलूँगा, अगर कोई वीडियो देख रहा है तो उन दोनों वैकेंसी पे ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि कोई भी अपॉर्चुनिटी, कोई भी वैकेंसी सिर्फ आपके लिए होती है, सिर्फ लेटेस्ट होती है। इसीलिए अप्लाई ज़रूर कर दीजिएगा और उनको एटलीस्ट देखिएगा ज़रूर। उनके जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिए हैं, पूरे डिस्क्रिप्शन में। दोस्तों कमेंट सेक्शन में भी मैंने लिंक मेंशन कर दिया है अपने टेलीग्राम का, तो वहाँ भी जाके आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि महिंद्रा ग्रुप क्या है, कितनी कंपनीज इसके अंडर आती है, कहाँ कहाँ आती है और कौन कौन सी जॉब निकल के आ रही है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये मैं आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, महिंद्रा के अंदर बहुत सारी कंपनीज हैं। जैसे ऑटोमोटिव में आएगी महिंद्रा ऑटोमोटिव डिवीज़न, दूसरी आएगी फार्म में दोस्तों महिंद्रा फार्म डिवीज़न, तीसरी आएगी एग्री बिजनेस में महिंद्रा एग्री सॉल्यूशन, महिंद्रा फाइनेंस में भी, फाइनेंस के साथ साथ जो नेक्स्ट है महिंद्रा पार्टनर्स। दोस्तों पार्टनर्स का मैं मेन आपको बोलूँगा, दोस्तों कुछ बंदे ऐसे हैं जो सोलर सेक्टर में जाना चाहते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनका सपना है कि हम स्टील सेक्टर में जाएं, क्योंकि स्टील पावर प्लांट, जैसे स्टील प्लांट पावर प्लांट, या फिर हम एक कंसल्टिंग करें, कंसल्टिंग इन द सेंस कि हम किसी को भी राय दें, जैसे किसी की नॉलेज अच्छी है, स्किल्स अच्छी हैं, तो वहाँ देखिए ये स्टील वाला। दूसरा क्या है कि ये लॉजिस्टिक में एक सामान से दूसरी जगह। तीसरा क्या है कि सोलर, जिसको सोलर में जाना है, सोलर में देखिए स्कोप बहुत है, फ्यूचर है। देखिए वो इतना नहीं है कि हमारे इंडिया की फुल जितनी भी हमें एफिशिएंसी चाहिए पावर डिवीज़न की वो, लेकिन हम वो ये है कि 5-10% ज़रूर पूरी करेगा सोलर, इतना है। इसके साथ साथ जो नेक्स्ट है आपको ये डिटेल जो मेन है वो है महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स। आपने सुना होगा समटाइम्स टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स की वीडियो लेके आता हूँ मैं, यहाँ क्या है महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड है। टाटा कंसल्टिंग इंजीनियर्स अलग होता है, काम दोनों का एक ही होता है, इंजन कंसल्टिंग प्रोवाइड करना। दोस्तों ये महिंद्रा कंसल्टिंग इंजीनियर्स एक अलग ही है, इसके साथ साथ और भी बहुत सारे हैं। अगर मान लीजिए आफ्टर मार्केट में अभी इनकी बहुत सारी कंपनीज है, इसके साथ साथ महिंद्रा हॉलीडेज़ में ये रिजॉर्ट्स प्रोवाइड करते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो IT वाले हैं वो टेक महिंद्रा में अप्लाई कर सकते हैं। इसके साथ साथ महिंद्रा रियल इस्टेट, जो सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल से हैं, जो सिविल से ज़्यादातर हैं, जो मैं सिविल वालों की बात ज़्यादा करूँगा पर्टिकुलर इसके लिए, रियल एस्टेट वालों के लिए, तो सिविल वाले यहां अप्लाई करें। अब टू व्हीलर वाले में कौन करेगा जी? टू व्हीलर वाले में करेंगे इलेक्ट्रिकल वाले। अब आई बात वैकेंसी के बारे में, दोस्तों आपको क्या कर लेना है, वैसे मैं इसका भी प्रोवाइड कर दूंगा, ऑफिशियल नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर दूंगा, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट आपको सबसे पहले ये जो ऑटोमोटिव डिवीजन वाला आपको फाइंड कर लेना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ लेटेस्ट अपडेट ओपन होकर आ जाएगी। तो आपको सबसे पहले आप किस ब्रांच से रिलेटेड है, कौन सी है, उन्हीं के बारे में बात करेंगे। अगर बात कर लेते हैं कि यहाँ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि आप डिप्लोमा हैं या फिर आप BTech हैं, आप दोनों ही एलिजिबल हैं। जी हाँ, आप बोथ जो हैं वो एलिजिबल हैं। एक चीज़ और है दोस्तों, मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर बोलता हूँ एवरी वीडियो में, वो क्या है, वो ये है कि कमेंट सेक्शन में अपनी ब्रांच और पास आउट ईयर ज़रूर दोनों मेंशन करके जाया करें। अब इसका लॉजिक क्या है, इसके पीछे की कहानी क्या है, इसके पीछे का तात्पर्य क्या है, दोस्तों ये मैं क्यों बोलता हूँ और किस लिए बोलता हूँ, वो सिर्फ इसीलिए बोलता हूँ दोस्तों, अगर आप उसमें अप्लाई करेंगे या फिर आप वो लिखते हैं तो मेरे लिए बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा 2-3 दिन से मैं पर्टिकुलर ब्रांच के साथ आपको जॉब बता रहा हूँ। जैसे अब मान लीजिए पहले मैं अगर आपको मेटलर्जी ब्रांच के बारे में जॉब देने लगा तो आपके किस काम की है, अगर मेटलर्जी के स्टूडेंट ही ना हो तो। मेरा कहने का मतलब यह है कि आप अपनी ब्रांच लिखेंगे तो जल्दी से जल्दी हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आप टेलीग्राम चैनल पे कोई भी लिंक, कोई भी जॉब के नोटिफिकेशन देख सकते हैं। अब बात आई साहब कौन कौन सी ब्रांच इसमें एलिजिबल है, तो आपको सबसे पहले सर्च जॉब्स कर देना है। अब इसमें आपको यहाँ आपको अनलिमिटेड हायरिंग दिख जाएगी, लेकिन हम बात करेंगे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल और CSIT वालों के लिए बताई दिया, इलेक्ट्रॉनिक्स और केमिकल वालों की यहाँ बात।
अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैकेनिकल वालों के लिए। तो आपको टाइटल में क्या लिख देना है, जो भी मैकेनिकल वाले हैं, मैकेनिकल इंजीनियर। जैसे ही आप इसको ओके करेंगे, सर्च करेंगे, तो यहाँ मैकेनिकल की दोनों वैकेंसी, जितनी भी वैकेंसी है, सारी ओपन होके आ जाएगी। दोस्तों इसमें डिप्लोमा, बीटेक हर जगह एलिजिबल होते हैं। अब आप जूनियर इंजीनियर के लिए, अगर कोई बंदा जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी देखना चाहता है, जूनियर इंजीनियर्स में आपको अप्लाई कर देना है और आगे बढ़ जाना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपको यहां पूरी की पूरी वैकेंसी ओपन होके आ जाएगी, जितनी भी जूनियर इंजीनियर्स के रिगार्डिंग वैकेंसी है। अब मैं आपको बहुत सारी वैकेंसी ऐसी बताऊंगा जहां आप डायरेक्टली अप्लाई करके आगे बढ़ सकते हैं। देखिए ये इंजीनियरिंग में ट्रिम्स एक सेक्शन है COE, जहां कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ये जो है दो से तीन साल मांगा है, और इसमें क्या मांगा है जी, डिप्लोमा और ग्रेजुएट मैकेनिकल वालों की तरफ से, और टू ईयर्स का जो एक्सपीरियंस होता है ना साहब, वो सिर्फ इसलिए होता है कि आपकी स्किल्स बता सके, आपका एटीट्यूड बता सके, आपका वर्क कल्चर बता सके, आपका वर्क एटमॉस्फेयर बता सके। दोस्तों 2 साल का एक्सपीरियंस कभी भी आपकी एक्सपीरियंस को डिफाइन नहीं करता है, वो आपकी स्किल्स को डिफाइन करता है। अब जो नेक्स्ट है, अब मान लीजिए आपको अगर सिविल से हैं तो आपको क्या लिख लेना है, सिविल इंजीनियर। जैसे ही आप सिविल इंजीनियर लिखेंगे यहाँ, तो यहाँ आपको सर्च जॉब में सबसे ऊपर नज़र आ जाएगी। दोस्तों यहाँ जो है आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ असिस्टेंट मैनेजर सिविल इलेक्ट्रिकल, सिविल, ये जितनी भी वैकेंसी है सारी सिविल से रिगार्डिंग है। अब ये सीनियर इंजीनियर FD, अब ये देखिए पूरा का पूरा इन्होंने दिया है। अब इन्होंने इसमें भी 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस, फ्रेशर वाले डायरेक्टली अप्लाई कर दें इनमें। और दूसरा देखिए, अगर आपने बीटेक कर रखी है तो आप असिस्टेंट मैनेजर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब ये कब आई है, ये ज़्यादा पुरानी नहीं है, अब भी ये बीटेक सिविल मांगी है जी इन्होंने। तो आपको ये जो मैं जी 2-3 ब्रांच जो कौन कौन सी, दोस्तों सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इन तीनों ब्रांचेस को इंजीनियरिंग की मदर ब्रांचेस बोला जाता है, क्योंकि कोई भी काम आप शुरू करेंगे सबसे पहले इन्हीं ब्रांचेस का काम पड़ता है। अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के बारे में। तो 2 मैंने आपको सिविल और मैकेनिकल दिखा दी है, अब बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिकल वालों के बारे में। जैसे ही हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग देखेंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, तो यहाँ सारी वैकेंसी ओपन होके आ जाएंगी। तो आपको इलेक्ट्रिकल वाले लीड इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, बस इनकी पोस्टिंग क्या होता है कि देखिए कभी भी आपको एक चीज़ होती है, कुछ बंदों को होम सिकनेस होती है, होम सिकनेस इन द सेंस कि घर में काम करना है, देखिए वो चीज़ तो आपको कहीं ना कहीं छोड़नी पड़ेगी साहब। तो आपको क्या कर लेना है, अगर बात कर लीजिए कि ये पोस्टिंग कहाँ रहेगी, ये रहेगी पैन इंडिया में। अब ये पैन क्या है दोस्तों, प्रेजेंस अक्रॉस नेशन, मतलब नेशन के अंदर कहीं भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, नेशन के अंदर कहीं भी। अब बात कर लेते हैं इसको अप्लाई कैसे करना है कोई भी वैकेंसी को। तो सबसे पहले आपको लीड इंजीनियर के, जो कोई भी ले लीजिए, मतलब सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल कहीं से भी ले लीजिए, तो आपको अप्लाई नाउ पर, जैसे ही आप अप्लाई नाउ पर जाएंगे तो आपको यहाँ से इसका साइन अप और साइन इन क्राइटेरिया ओपन होके आ जाएगा। दोस्तों जैसे ही आप साइन अप करने के बाद इस पेज पे आएंगे, यहाँ महिंद्रा ने ऑलरेडी ग्रीटिंग दे रखा है, जो आपको कहीं जॉब लगती है तभी दे देते हैं, तो स्टार्टिंग में आपको दे रखा है। अब सबसे पहले ये क्या मांग रहा है, आपका रिज्यूम और कवर लेटर। देखिए ये दोनों चीज़ों में ही बंदा फंसता है, क्योंकि कहीं भी क्या होता है, सबसे पहला आपका आज के टाइम में अगर कहीं ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं तो कवर लेटर सबसे टॉप प्रायोरिटी का पार्ट होता है। कवर लेटर क्या होता है, कवर लेटर होता है अपने बारे में छोटी से छोटी बातों में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने की, दैट मीन्स कवर लेटर। कवर लेटर का एक छोटा सा फॉर्मेट बना के मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट सेक्शन में, वेबसाइट पे हर जगह मेंशन कर दिया है। यहाँ कवर लेटर को आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं और CV के लिए भी देख सकते हैं। रही बात CV की, तो CV का भी मैंने छोटा सा फॉर्मेट बना के टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है, वहाँ जाके देख लीजिएगा। अब आइए प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन की बात, तो अपना डाटा यहाँ मेंशन कर दीजिएगा, जो भी है प्रीवियस एम्प्लॉयमेंट, अगर आप फ्रेशर हैं तो फ्रेशर ही मेंशन कीजिएगा, कोई ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट आपकी फॉर्मल एजुकेशन, मतलब आपने एजुकेशन कहाँ से कंप्लीट की है। नेक्स्ट आ गया आपका लैंग्वेज स्किल्स। दोस्तों लैंग्वेज देखिए, मैंने आपको 2 लैंग्वेज तो ऑलवेज ही बोला है, कौन कौन सी, एक तो इंग्लिश और एक हिंदी। थर्ड जो है आपकी लोकल लैंग्वेज मैंडेटरी होती है, मान लीजिए आप गुजराती हैं
और गुजरात में ही पोस्टिंग हो गई, तो आपको ही ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे ना। तो इसीलिए गुजरात जैसे आपकी लोकल लैंग्वेज जरूर मेंशन किया कीजिए जो आपके हों। नेक्स्ट जो है आपकी स्किल सेट। दोस्तों पर्टिकुलर ब्रांच से रिलेटेड जिस जिसको स्किल्स के बारे में पूछना है कि मेरी स्किल क्या है, जैसे सिविल वालों की होती है BBS, BOQ या फिर अलग अलग, तो सबके अगर पूछना है तो आप बता दीजिएगा, मैं टेलीग्राम चैनल पर सबकी हर ब्रांच के रिलेटेड अलग अलग स्किल्स डाल दूंगा, या फिर आप गूगल भी करके देख सकते हैं। नेक्स्ट जो है जॉब स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, आपने कहाँ से आई, ये नेशनल आइडेंटिटी टाइप। नेशनल आइडेंटिटी टाइप में आप आधार कार्ड मत डालिएगा, पैन कार्ड डाल दीजिएगा, या फिर जॉब सिक्योरिटी कोई भी, सोशल सिक्योरिटी नंबर कोई, SSN कुछ भी डाल सकते हैं, और इसको यहाँ से अप्लाई कर दीजिएगा। होप सो यहाँ से आपका पॉजिटिव ही अप्लाई आए। जो मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगा कि ऑलवेज मैं आपके साथ हूँ, बट आप अप्लाई ज़रूर कर दिया कीजिए। तो इसीलिए मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।